करते हैं, नाश्ता वगैरह बनाती हूँ, पूजा पाठ करती हूँ, नहा धो लिया है, पूजा पाठ करते फिर नाश्ता की तैयारी करते। तो बच्चे की छुट्टियाँ है ना, देखती हूँ क्या बनाती हूँ नाश्ते में, मैक्रोनी बनाती हूँ क्या बनाती हूँ। तो दोस्तों मैंने मैक्रोनी बॉयल करने के लिए ना किचन में पानी रख दिया है और मैं आपको दिखाती हूँ मैक्रोनी। इधर दिखाना, जो ये मैक्रोनी है ना, ये वाइट वाइट वाली, ये खुली वाली मैक्रोनी है, और जो पैकेट में बंद वाली मैक्रोनी आती है ना वो ऐसा कलर है, हल्का सा येलो कलर, और जो खुली वाली मैक्रोनी है ना उसका ये कलर है। हेलो दोस्तों, प्रणाम, स्वागत है आपका मेरे चैनल रजनी उत्तराखंडी ब्लॉग्स में। कैसे हैं आप सब, उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। हाँ, हम सब भी अच्छे हैं। तो दोस्तों सुबह का बज गया है 8 बजे से मैं ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ, क्योंकि मैं छत में इसलिए आई हूँ ब्लॉग बनाने सुबह सुबह। अभी मौसम ना बादल लगे हुए थे, ऐसा लगता है जैसे बारिश आएगी, तो बादल सब हट गए। जैसे मैं छत में ब्लॉग बनाने आई ना तो धूप आ गई, बादल हट गए, बढ़िया सा मौसम दिखाने आई थी मैं, खुश भी होती आज बारिश होगी करके, बारिश नहीं हो रही है, मतलब धूप आ गई। अब दिखाती हूँ आपको। तो दोस्तों इतनी तेज़ धूप आ गई और ना कहीं कहीं काले से बादल भी दिख रहे हैं, बाकी धूप भी आ गई है, इधर को दिख रहे हैं काले बादल और धूप भी, देखो कितनी तेज़ धूप आ रही है। जैसे मैं ब्लॉग बनाने आई तो यहाँ पे धूप आ गई। तो दोस्तों मैंने मैक्रोनी बॉयल करने के लिए ना किचन में पानी रख दिया है और मैं आपको दिखाती हूँ मैक्रोनी। ये ना ये वाइट वाइट वाली, ये खुली वाली मैक्रोनी है, और जो पैकेट में बंद वाली मैक्रोनी आती है ना वो ऐसा कलर है, हल्का सा येलो कलर, और जो खुली वाली मैक्रोनी है ना उसका ये कलर है। मैक्रोनी में भी अंतर देखो, और जो पैकेट वाली मैक्रोनी है ना वो छोटी है, बाकी जो खुली वाली है वो बड़ी बड़ी है। थोड़ा खुली वाली ना पहले की बची थी, बाकी अभी मैंने बोला ना नाश्ते में मैक्रोनी बनाते हैं, तो ये आई लाया है पैकेट वाली, तो ये मतलब छोटी और येलो कलर में है, खुली वाली ना वाइट कलर में है। तो मैं इसको बॉयल करने रख देती हूँ मैक्रोनी को, और फिर हम करते टेस्टी सा नाश्ता। तो दोस्तों यहाँ पे ना मैंने पानी रख दिया है मैक्रोनी बॉयल करने के लिए, यहाँ पे मैंने मैक्रोनी ना बॉयल करने के लिए रख दिया, और इसमें मैंने थोड़ा सा तेल डाल दिया ताकि ना ये चिपके ना। अब मैं इसको थोड़ा सा ऐसे ऐसे घुमा लूँगी ताकि मैक्रोनी ना चिपके ना आपस में। मैंने ढक दिया है मैक्रोनी। तो यहाँ पर ना मैंने मैक्रोनी के लिए प्याज कट कर दी है और यहाँ पर शिमला मिर्च कट कर दी है। तो अब मैं शुरू करती हूँ मैक्रोनी बनाना। ना माइक्रोनी उबल रही है और भाप से कैमरा खराब हो चुका है, मतलब कैमरा कहने का मतलब भाप जा चुकी है कैमरे के अंदर। ना माइक्रोनी बॉईल हो चुकी है, वाइट और येलो वाली माइक्रोनी अलग अलग कलर में। आज मैंने डाल दिया शिमला मिर्च, इसमें डालती हूँ अब मसाले वगैरह सब मिक्स कर देती हूँ, केचप और जो है सिरका, मसाले वगैरह, और यहाँ पे केचप भी डाल दिया, सिरका भी डाल दिया। अब मैं ना सब मिक्स कर लेती हूँ, मसाले मैंने मिक्स कर दिए। अभी थोड़ा और घुमा के ना इसमें फिर थोड़ी देर ढक्कन रख के इसको 5-10 मिनट हम पकने देंगे, 5-7 मिनट। मैक्रोनी तैयार है, यूवी को लगी बड़ी तेज भूख, खाओ और टेस्ट करके बताओ मम्मा को कैसा हो रहा है। यम्मी, टेस्टी, मजा आ गया, चलो खाओ फिर, भूख लगी है ना इसे बहुत तेज है ना। टेस्ट अच्छा, तेज नहीं बोलता है ना आयुष, वैसे चिल्लाने को बहुत तेज चिल्लाता चीखता है, पर जब तारीफ की बात आएगी तो धीरे से बोलेगा। अच्छा हो रहा है, अच्छा हो रहा है, अच्छा हो रहा है। और बच्चे खाने लग गए हैं, हम लोग अब खा रहे हैं, ये वहाँ बैठे हैं नाश्ता करने, दिख रहा होगा फिर, तो ये उधर बैठे हैं और हम लोग ना यहाँ पे बैठे हैं, और मैं साथ में लाई हूँ चाय। तो हम लोग ना नाश्ता शुरू कर लेते हैं, फिर मिलते हैं आपको। और बज गया है 9:30, 9:30 बजे हमारा नाश्ता हो रहा है, रोज का यही टाइम हो जाता है, बाकी मिलते हैं आपको बाद में। तो नाश्ता वगैरह हो गया है हमारा, और ना मैं आपको सुबह ना अपनी छत में गई थी, मतलब अपने वहाँ का मौसम दिखाने, सुबह ना बारिश का मौसम हो रहा था, बारिश जैसे मैं ब्लॉग बनाना शुरू कर रहा था तो वहाँ ना धूप आ गई बड़ी तेज थी, और मुझे ना हंसी भी आ रही थी। तो मौसम बारिश वारिश तो कुछ हुई नहीं, और मौसम ना इतना खतरनाक हो गया, मतलब धूप इतनी खतरनाक, गर्मी और इतनी तेज़ धूप, मैं तो खुश हो रही थी सुबह सुबह बारिश आएगी, तो मैं बगल में ही बोल रही थी लता और मैंने कहा आज बारिश आती है शायद, मौसम बढ़िया हो रहा है। तो जैसे ही ब्लॉग बनाने गई तो वहाँ इतनी तेज़ धूप आ गई, और बहुत तेज़ धूप है, मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये देखो इतनी तेज़ धूप, और यहाँ पर मेरा कैमरा मैन बैठा है नहा के, चलो मैं कपड़े दूँगी, नहा लिया है अपने हाथ से नहाया आज, टॉवल लपेट के बैठा है, चलो चलो मैं कपड़े दूंगी, चल ना आज। तो दोस्तों
मैं ले रही हूँ आलू। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे ना आलू ले लिए हैं। तो दोस्तों दिन का बज गया है 12 और ना मेरे खाना बनाने की तैयारी हो गई। तो खाने में मैं बना रही हूँ आज मांस का चेस बना रही हूँ, जो हम सबकी फेवरेट है। तो मैंने मांस को ना पहले तवे में भून लिया है और उसके बाद में मैंने उसे मिक्सी में पीस लिया है और उसके बाद लहसुन प्याज का तड़का मार के मैंने उसे पकने के लिए रख दिया। और एक साइड से मैंने चावल भिगो दिए, थोड़ी देर में चावल भी बनाऊंगी। और ना ये ड्यूटी गए हैं और बच्चे ना कभी कभी परेशान भी कर रहे हैं और मैंने ना दोनों साइड से कुंडा वगैरह लगा दिया है क्योंकि बच्चे ना धूप बहुत तेज हो रही, बाहर जाएंगे तो बुखार आएगा। वैसे भी 12 बजे की धूप है तो बहुत खतरनाक धूप है। और चलिए ज़्यादा बातें ना करते हुए काम ज़्यादा करते हैं तो बनाते हैं खाना, फिर मिलते हैं आप लोगों। तो दोस्तों ये मैंने ना लोहे की कढ़ाई में पकाने रख दिया है, अब ये अपने आप पकता है धीरे धीरे, कम गैस कर रखी है मैंने तो ये अपने आप पकता है। और यहाँ पर मैंने भिगो दिए हैं चावल, अभी बनाऊंगी। तो दोस्तों दिन का बज गया है 1:45 और ना हम लोग खाना खा रहे हैं। यूवी को भूख नहीं लगी है, यूवी कह रहा है मैं नहीं खा रहा हूँ क्योंकि उसने ना अभी 12 बजे मैक्रोनी फिर से खाई थी तो उसको भूख नहीं है खाना खाने की। तो मैं और आयुष खा रहे हैं, ये ना 3 या 3:15 मतलब 3:45 बजे के बीच में आते खाना खाने। तो मैं आयुष खा ले रही खाना। तो मैंने यहाँ पे बनाया है मांस का चेस और चावल और साथ में है सलाद। पहले हम लोग ना खाना वगैरह खा लेते फिर मिलते हैं। समय हो गया, दिन का बज गया है 2:15 और ना खाने वगैरह खा लिया और किचन साफ कर लिया, बर्तन भी धो दिए। अब थोड़ी देर आराम कर लेते हैं और बाहर पे आई मैं ब्लॉग बनाने डॉगी के पास। अब ना हम लोग आराम कर लेते हैं और गर्म से ना हालत खराब है, काम करके आ रही ना तो पसीना ही पसीना हो रहा पूरे फेस में। तो दोस्तों शाम का समय हो गया और ना हम लोग सो के उठ गए, मतलब मैं ही सोई थी और बच्चे नहीं सोए थे क्योंकि गर्म बहुत हो रहा है और लाइट ना बहुत कट रही है, यहाँ बहुत लाइट कट रही है और गर्मी भी बहुत ज़्यादा हो रही है। और इसमें ना हम लोग बाहर आए हैं, चाय वगैरह पी ली है, गर्म तो बहुत हो रहा है। यूवी मुझे डरा रहा है ना ऊपर गिर गिटा करके। और आयुष की ना बॉल खोच रही है तो आयुष का हुआ है यहाँ पर मूड खराब। कोई बात नहीं, हम सब ढूंढ रहे हैं आयुष की बॉल यहाँ पर। दीदी गिरगिट 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 गिरगिट। तो चलो काम मतलब देख लेते हैं थोड़ी देर ना आयुष की बॉल ढूंढते, मत कर जो होगी वो भी गिरेगी सिर में। तो बॉल ढूंढ लेते हैं, आइस की मिल गई तो ठीक है, नहीं मिली तो वो भी ठीक है। दोस्तों यहाँ पर ना सच में बच्चे ठीक कह रहे थे, गिरगिट है करके। कहाँ है कैमरा, कहाँ गया गिरगिट, कहाँ गई, कहाँ गई गिरगिट, पता नहीं कहाँ गई। नहीं बॉल जी है ना, तो आइस की बॉल खो चुकी है। मिल गई बॉल, यहाँ है पेड़ में अटकी है बॉल, ये अटकी है बॉल इसमें पेड़ में, ये देखो ये। अरे गिर गई। बच्चे खुश हो गए, ओ लता को मिल गई, थैंक यू बोला आंटी से, थैंक यू आंटी बोल। हाँ कहीं ना कहीं अटकी होगी, आम का पेड़ ना इतना घना है क्या पता यही अटकी हो। थैंक गॉड मिल गई, इसने ना मेरे को उठ के इतना परेशान करा था ना, बॉल ला कि बाहर इनकी बॉल आज ने दौड़ लगा दी, कोई ले लेगा करके क्योंकि और बच्चे भी खेलें, बच्चे खेल रहे हैं यहाँ पर मोहल्ले के। इन लोगों का डब्बू भाग गया है बाहर, अरे कितना नीचे। बॉल खेलने के लिए, क्रिकेट खेलने के लिए भैया की स्कूटी हटाई जा रही। क्यों गुस्सा, क्या हुआ, क्या हुआ? नहीं खेलना है, उसका मन ही नहीं है खेलने का। तो दोस्तों हो गया है शाम का समय, इसमें मैं बना रही हूँ पहाड़ी तुरई की सब्जी और इसमें आलू मिला रखे, सब्जी बनाने लग गई हूँ। और यहाँ पे ना आटा गूंद दिया मैंने। दोस्तों रात का बज गया है 8 और ना मेरी सब्जी बन गई है, मैंने सब्जी बनाई यहाँ पर पहाड़ी तुरई और आटा गूंद दिया है। अब ना रोटी बनाती हूँ तो हम ना थोड़ी देर तक बाहर पे, की लाइट आज ना बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है। और नहा के आई हूँ मैं अभी जस्ट नहा के निकली क्योंकि इतना गर्म हो रहा है ना, हालत खराब हो रही है। तो नहा के आई हूँ, मैंने कहा चलो ब्लॉग की शुरुआत करती हूँ अभी फिर से। तो चलते हैं और अपना रोटी बनाते हैं क्योंकि ना मेरे बच्चों को भूख लगी है, पहले रोटी बनाते हैं। तो दोस्तों रात का समय हो
चुका है और लाइट ना आज बहुत ज्यादा परेशान कर रही है और ना हम लोगों ने खाना वगैरह खा लिया। अब करते हैं सोने की तैयारी, 10:30 हो गया है रात का, तो सोने की तैयारी करते हैं। मिलते हैं आपको एक नए ब्लॉग के साथ। उम्मीद करती हूँ आपको आज का ब्लॉग पसंद आएगा। पसंद आए तो प्लीज लाइक करना, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस करना। थैंक यू एंड बाय।